तो अब इनके गले में एक तो फोन लटका के रखेंगे, जोने में भी डालेंगे आपको, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी आपने अपनी कहानी बताई, इसको गीता थेरेपी के द्वारा कैसे ठीक करना है वो आप फॉर्मेट समझ लीजिए। तो गीता थेरेपी शुरू करने से पहले और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप ठीक पूरी तरह से हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात माननी होगी, वो बात ये है कि अब आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। आप बहुत दिमाग लगाते हो कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तार के ऊपर से निकल गया तो ये हो जाएगा, तार के नीचे से निकल गया तो वो हो जाएगा। अब आपने वो दिमाग नहीं लगाना कि जो मर्जी कुछ हो, अब जो सर कहेंगे वही होगा, चाहे सर मेरे को तार के ऊपर लेटाएं, चाहे गले में तार बांधें, जो होगा सो सर जाने, बस अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो ओसीडी में फंसे रह जाओगे। इस इलाज में फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है 2 दिन वेस्ट करने का। अगर आप अपना दिमाग लगाना बंद करते हो, मेरे दिमाग से चलने के लिए राजी हो, तभी ये काम करेगा, फिर ही ठीक होगे। हाँ सर जी, मैं तो उसी कहूँगा, मैं करूँगा जी मैं। हाँ, कहता दिता हूँ, करना भी पऊगा। मैं भावे जोनू झोने च लिटावा, भावे सप्प मरिया गले च पावा, भावे चप्पला, हाँ जी, दिक्कत ही नहीं सर, मत कुछ भी हो, चप्पला भावे सोनू पैर दे हथ लावा, पैर नू चटावा, हाँ, कुछ भी करावा, जी मैं तुसी बोलोगे मैं करूंगा। हाँ बस फिर ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैंने ठीक होना है जी। हाँ पहला मैं थोड़े तो ठीक होया, बस तुसी एक ही शर्त ते ठीक होंगे कि तुसी मेरी गल्ला नू फॉलो करोगे, ते जिवे मैं कहूंगा उवें करोगे, ओदे विच चू चपाट नहीं करोगे कि ना जी मैं नहीं करना जी, मैनू एक बार एवें कर लैन दो, नहीं तो फिर जी मैं फस जूंगा, मैं घबराया रह जूंगा जी, मैनू फिर दिक्कत हो जानी है जी। अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर फंस जाओगे। अब आप कहोगे कि चाहे मर जाऊं, लेकिन आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। समर्पण, 100% समर्पण, सरेंडर, शरणागति। जैसे गुरु शिष्य के प्रति समर्पित हो जाता है कि गुरु जो कहे वो अंतिम सत्य है। अगर मैं कहूं कि अब रात है तो रात ही है, मैंने कह दिया वही सत्य है। ठीक, अगर आपने कहा जी ना जी तुसी कह दोगे, मैं कभी मन लांगे, फिर ठीक नहीं होने। नहीं सर जी, मैं तुसी कहूंगे मैं कराऊंगा। हाँ तो बिचारे कोई फिर किंतु परंतु नहीं हैगा, ना ना कुछ नहीं कह रहा, फिर ठीक है, इलाज करो जी। हाँ इलाज सही होना से तो तुसी मेरी गल, हाँ मैं थोड़ी गल मानूंगा, बस हुण फिर तुसी सोचना नहीं, जदों मैं कहूंगा उदों ही सोचना है, उदों तक बंद रहना भावें कुछ भी आवे। जो मैं पूछा भी की विचार आ रहे, उदो खुल के दस देना है, छुपाना भी नहीं हैगा। अच्छा जी, हाँ कि सर फिर करा देंगे, दसना भी हैगा पूरा ईमानदारी नाल। अच्छा। ठीक है, तो अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये फॉर्मेट आपने पहले भी कोर्स में देख लिया होगा, तो पहले आपको रिलीजियस ओसीडी थी, फिर कंटेमिनेशन ओसीडी भी हुई, अब ये विचारों वाली ओसीडी फंस रही है। हाँ जी। इसमें भी आपके कंपल्शन हैं बहुत सारे। हाँ जी। तो ए को हम बोलते हैं ट्रिगर। जैसे आपका ट्रिगर क्या है वो इसमें लिखेंगे। बी को हम बोलते हैं वहम। विचार, विचार क्या आता है? शक, ऑब्सेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उसके बाद सी में कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो यहां लिखेंगे, संभावित डर या खतरा। और उसके बाद ये स्लो पॉइजन है, ये मीठा जहर, धीमा जहर है कि इससे आप फंसते हो। जैसे मीठा जहर होता है ना, जैसे कुछ सफेद नमक बोलते हैं, सफेद चीनी या सफेद जो भी ये मीठा जहर है, इससे आदमी फंसता है, नशा है, साइलेंट किलर। तो ये साइलेंट किलर है, ये अगर आप करोगे तो फंसोगे। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो है डूइंग, डूइंग मतलब करना, करोगे तो भी फंस जाओगे। आपने जैसे धागा खोल दिया तो भी फंस गए, अगर धागा नहीं बांधते तो भी फंस गए। दूसरा है अवॉइड करना, अवॉइड मतलब बचना, बचोगे तो भी फंसोगे। भी आप कई चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं ना,
पैरों के हाथ लग गया तो धो लिया, वो हो गया करना, डूइंग कर दिया आपने, कंपल्शन कर लिया। और बचना कि आगे से हाथों को दूर ही रखेंगे, पैरों की तरफ ही नहीं जाने देंगे, तो ये हो गया अवॉइड करना, बचना। तो अगर आप उससे दूर रहोगे तो भी फंसोगे। तो ये है फंसने का तरीका, इन दोनों ही तरीकों से इंसान फंसता है, समझ गए। तो अब ट्रिगर एक ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी समस्या हल की जाए, किस विचार को पकड़ा जाए या किस चीज को पकड़ा जाए, पहले बताओ आप क्या ठीक करवाना चाहोगे। पहला ही शुरू जी जेडी प्रॉब्लम हुई थी रिलीजियस ओसीडी वाली दसोगी। हाँ, रिलीजियस ओसीडी वाली अभी ठीक हो गई या अभी भी रहती है? नहीं मतलब हूँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत। हाँ, कोई भी उसमें से एक चीज बताओ। रिलीजियस ओसीडी चो जी। हाँ हाँ जी। मैं जी मतलब मैं कितने भी गया जी। हाँ हाँ हाँ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਵੇਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਹਾਂ ਜਾਣੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜੇ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੀਗਰ ਮੇਂ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਓਬਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਤਾਓ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਮਨ ਸਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜੇ। ਮੰਨਤ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੁਝੇ ਮੰਨਤ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਤੇ ਹੋ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਯੇ ਮੰਨਤ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ऑब्सेशन शक क्या है, मन्नत का विचार आना। अब अगर ये मन्नत का विचार आ गया तो आपके जीवन में क्या खतरा है, उस मन्नत के विचार से जीवन में क्या नुकसान हो जाएगा भी। मतलब जी मैनू कुछ हो जूगा जी। क्या कुछ हो जाएगा भी? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, कोई बच्चा हो सकता है या कोई क्या हो सकता है, कुछ होने का, शादी हो सकती है या मतलब जी मैनू ये डर रहता जी भी मैनू कुछ ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए या डेथ ना हो जाए, क्या ना हो जाए। हाँ जी, हाँ भी मुझे कुछ हो ना जाए। हाँ जी, उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, मुझे कुछ हो जाएगा। हाँ जी, या किसी और को भी हो जाएगा ना, ये जी मैनू जी। हाँ, बीमारी भी हो सकती है, कोई पैसे का भी नुकसान हो सकता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।